हेलो दोस्तों, पॉइंटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त लकी। दोस्तों आज हम एक छोटी सी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हाउ करंट फ्लोज इन अ वायर। हाँ दोस्तों, ये टॉपिक जो है क्लास 8, क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही कॉम्पिटिशन के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों तो बने रहिए मेरे साथ, आइए चलिए। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हाउ करंट फ्लोज इन अ वायर। ठीक है दोस्तों, अब एक वायर है ना, ये मान लो एक वायर है, हमें पढ़ना है कि इसमें करंट कैसे फ्लो होता है। वायर यानी कि आपके घर में वायर होता है, आप स्विच ऑन करते हो और आपके बल्ब जल जाता है घर में, या ट्यूबलाइट जल जाती है, टीवी जल जाती है ना, तो उसमें क्या होता है, आपने स्विच ऑन किया और टीवी चल रही, तो यानी कि स्विच ऑन करने और टीवी चलने के बीच में क्या हुआ होगा, करंट का फ्लो हुआ होगा ना दोस्तों। तो वो कैसे फ्लो हुआ वो सीखते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर दो चीजें होती है ना, आप सबसे पहले आप ये जानते हैं, आप ये जान लो कि आप जानते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जितने भी मेटल्स होते हैं ना दोस्तों, मेटल्स आपको पता होगा, मेटल्स, नॉन मेटल्स, कुछ इंसुलेटर्स होते हैं ना, जितने भी मेटल्स होते हैं सबके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों। और वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या बोलते हैं उनको, फ्री। ठीक है दोस्तों, अब ये वो फ्री नहीं है कि एक के साथ एक फ्री, फ्री मतलब दे आर नॉट बाउंडेड, मतलब वो किससे बाउंड नहीं है, वो मेटल के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं ना दोस्तों। ठीक है, अच्छा वायर किस चीज का होता है दोस्तों, वायर भी तो मेटल का होता है ना, तो वायर भी मेटल का होता है। और हम पढ़ रहे हैं कि वायर में करंट कैसे फ्लो होगी, है ना। तो दोस्तों होता है क्या है, मान लो हमारे पास ये जो पोर्शन है, ये वाला जो है ये वायर है इलेक्ट्रिक का। ठीक है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक का वायर है ना, ये क्या है, ये वायर है। और किसका वायर है, ये मेटल का वायर है। दोस्तों हमारे पास दो कंडीशंस होती है, ठीक है, ये क्या हमें क्या पता है, ये है मेटल का वायर है ना। अच्छा हमारे पास क्या कहा मैंने, दो कंडीशन होती है ना। एक कंडीशन दोस्तों यहां पर क्या है, हम पढ़ेंगे यहां पर सी करंट, यहां पर करंट नहीं है, अभी यहां पर करंट नहीं है, यानी कि हम कहेंगे कि इधर कोई भी बैटरी नहीं है, इस वायर को हमने किसी भी बैटरी या किसी भी करंट के सोर्स से नहीं जोड़ा है। लेकिन दोस्तों यहां हम पढ़ेंगे कि हमने इस वायर को बैटरी से जोड़ा है, है ना दोस्तों, हमने किसे जोड़ा है, बैटरी से जोड़ा है। और बैटरी में दोस्तों ये वाला जो होता है ना, ये बड़ी वाली लाइन ये होती है पॉजिटिव एंड, और ये जो होता है दोस्तों ये होता है नेगेटिव एंड, यानी कि इधर से लेके ये पूरा यहां तक ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है दोस्तों। और इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है दोस्तों, वो कैसा चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोस्तों देखते हैं मेटल वायर में जब करंट नहीं होता, जब यानी कि बैटरी नहीं होती, तब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं ना। तो जब मेटल वायर में जब इलेक्ट्रॉन करंट नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन दोस्तों इधर उधर घूम रहे होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, मतलब इनकी जो डायरेक्शन होगी वो डिफाइंड नहीं होती है दोस्तों, कि कहीं भी इधर उधर घूमते रहते हैं ना, इधर उधर घूमते रहते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर अभी करंट नहीं है दोस्तों, नो करंट, देयर इज नो करंट, ओके। सो द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली हियर एंड देयर, ओके दोस्तों। ये तो था कब, जब करंट नहीं होता। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो दोस्तों ये वाली कंडीशन आ जाएगी। अब यहां पर क्या होगा, जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, तो जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी जो डायरेक्शन है वो कैसे होगी दोस्तों, वो उनकी डायरेक्शन होगी, उनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ को भागेंगे ऐसे। ये देखो इनकी एक डायरेक्शन होगी, बिल्कुल एक डायरेक्शन। क्यों हो रही है इनकी एक डायरेक्शन, क्योंकि अब दोस्तों इनमें एक फोर्स लग चुका है, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लग चुका है, ये सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव की तरफ दौड़ेंगे, है ना दोस्तों। एक और खास बात बताऊं दोस्तों, आपको बहुत कंफ्यूजन होता है, देखो हमेशा करंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि ये पॉजिटिव है इधर को आएगा, ये पॉजिटिव है इधर को आएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं करंट की डायरेक्शन कैसे है दोस्तों, ये जो है ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट डायरेक्शन इधर है, और मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। अब क्यों जाएंगे दोस्तों, क्योंकि देखो यहां नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का भी नेगेटिव चार्ज होता है ना। और मैंने आपको कल की वीडियो में पढ़ाया था कि चार्ज जो होते हैं, लाइट चार्ज जो होते हैं, वो हमेशा रिपल करते हैं, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, दूर भगाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि यहां पहले से नेगेटिव है, ये नेगेटिव से दूर जाएगा, यानी किसकी तरफ जाएगा,
पॉजिटिव की तरफ जाएगा दोस्तों। लेकिन करंट कैसे फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, इधर है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होगी दोस्तों? ये होगी किसकी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन वहां होगी। और मैंने आपको बताया क्यों होगी ऐसी डायरेक्शन, क्योंकि यहां नेगेटिव है और यहां पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज नेगेटिव होता है, और अगर वो नेगेटिव की तरफ आएगा तो वो रिपल कर जाएगा, इसलिए वो नेगेटिव की तरफ ना आके जो नेगेटिव फोर्स है उसको पुश करता है पॉजिटिव की तरफ। और इस तरह से दोस्तों करंट वायर में फ्लो करता है। तो इसको सिंपल भाषा में अगर हम समझे दोस्तों, तो जब भी हम किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं, यानी कि हमने स्विच ऑन किया और हमारी टीवी ऑन हो गई, यानी कि जो भी करंट की डायरेक्शन होगी दोस्तों, करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रेवल करेंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, हमने दो केस पढ़े। यहां पर कुछ नहीं हुआ क्योंकि यहां करंट था ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स वर जस्ट मूविंग रैंडमली हियर एंड देयर। बट हियर व्हेन वी प्लग ऑन टू द बैटरी और सोर्स ऑफ लाइट, द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड दैट डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, है ना दोस्तों? तो हमने यहां सीखा कि किस तरह से करंट वायर में फ्लो होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों।